दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेक्ट को बनाता है जिसके अंदर वो कई सारे डिसाइपल को लाकर उन्हें ट्रेनिंग देता है, जिसके बाद वो सेक्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल सेक्ट बनकर बाहर आता है। और उसी पावरफुल सेक्ट का मास्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है, जिससे सारे के सारे लोग डरते हैं। इस सीरीज में आपको कल्टीवेशन, कॉमेडी और सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलिए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो सभी आपस में फाइट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन चल रहा होता है। जो भी इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा उसे ही डेविल ब्लड सेक्ट में जाने का मौका मिलेगा। इसलिए वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं सभी आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं ताकि इस कॉम्पिटिशन को यहाँ पर जीत सके। और उन्हीं में सबसे ज्यादा पावरफुल चेन हाओ नाम का एक डिसाइपल दिखाई दे रहा था, जो की सारे के सारे लोगों को बस उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है। कोई भी उसके सामने जरा सा भी नहीं टिक पा रहा था क्योंकि उसके पास पावर ही इतनी ज्यादा होती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों को वहां पर मारे जा रहा होता है। वो अकेला था और सामने उसके सारे के सारे डिसाइपल होते हैं, लेकिन कोई भी वहां पर उसका मुकाबला नहीं कर पाता। जिसके बाद चेन हाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही कुछ डिसाइपल को वहां पर मार कर उनकी जान लेने वाला होता है, इससे पहले ही वहां पर डेविल ब्लड सेक्ट का एक मास्टर आ जाता है जो यहां पर चेन हाओ को आकर रोक लेता है और उससे कहता है तुमने इस कॉम्पिटिशन को जीत लिया है जिस वजह से तुम हमारे सेक्ट में शामिल होने के लिए बिल्कुल लायक हो। जो सुनकर तो चेन हाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो वहां पर उस मास्टर को ग्रीट करना शुरू कर देता है और उससे कहता है आपकी मैं सारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तभी वहां पर चेन हाओ का दोस्त हाओ तियान आ जाता है जो अपनी बंदी के साथ वहां पर आया हुआ था और उसी ने चेन हाओ की हर टाइम पे मदद की है, पैसों से लेकर कल्टीवेशन रिसोर्सेस तक की। वो और उसकी जो बंदी होती है यहाँ पर आकर चेन हाओ को कांग्रेचुलेशन करना शुरू कर देते हैं और उससे कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम डेविल ब्लड सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो रहे हो, इसलिए हम भी यहाँ पर तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं ताकि हम भी उस सेट के अंदर ज्वाइन हो सके, क्योंकि हमने सुना है उस सेट के अंदर कोई भी डिसाइपल अगर सेलेक्ट होता है तो अपने साथ दो और लोगों को ले जा सकता है। तो हमारा यही प्लान है कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, हमने यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद की है तभी तो तुम इस मुकाम पर आज पहुंच पाए हो। लेकिन चेन हाओ जो होता है उन दोनों से कह रहा होता है मैं अकेला वहां पर उस सेक्ट में जाना चाहता हूं, मैं तुम लोगों को नहीं ले जाऊंगा। आखिर मैं तुम लोगों को वहां पर ले जाकर करूं तो करूं क्या, क्योंकि तुम लोगों के पास तो वैसे भी कोई पावर नहीं है, तुम्हारे जैसे छोटे मोटे कल्टीवेटर की वहां पर कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम लोगों का वहां नहीं जाना ही बेहतर है। हाओ तियान उससे कह रहा होता है तुम्हें समझ नहीं आता तुम्हें यहां तक पहुंचाने में हमने कितनी मदद की है और तुम अब यहां पर आकर हमें धोखा दे रहे हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुनकर तो हाओ तियान काफी ज्यादा गुस्सा भी हो चुका था, लेकिन तब जो चेन हाओ रहता है वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए हाओ तियान के पर अटैक करने वाला होता है ताकि उसे यहाँ से भगा सके। तब जो हाओ तियान की बंदी होती है चेन हाओ को समझा रही होती है कि तुम्हें कम से कम हाओ तियान को तो वहां पर ले जाना ही चाहिए, उसने तुम्हारी काफी मदद की है। लेकिन तब जो चेन हाओ होता है उससे कहता है मैं इस हाओ तियान को तो बिल्कुल भी नहीं ले जाने वाला वहां पर, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे चाय पानी देने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी, तो बताओ मुझे कि तुम मेरे साथ वहां चलना चाहोगी, तुम्हें वहां पर मैं सारा का सारा आराम दूंगा, तुम्हें किसी भी चीज की वहां पर तकलीफ नहीं होने वाली। जो सुनकर तो हाओ तियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तब जो उसकी बंदी होती है चेन हाओ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिस चीज से तो हाओ तियान को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर उसकी बंदी भी यहाँ पर उसे धोखा कैसे दे सकती है। उसकी जो बंदी होती है उससे कह रही होती है तुम तो बस एक नॉर्मल कल्टीवेटर हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम आगे चलकर मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे, इसलिए मेरा चेन हाओ के साथ जाना ही बेहतर है, वो मुझे हर चीज से प्रोटेक्ट भी करेगा और मुझे सारी खुशियां भी देगा। बेचारा हाओ तियान का तो यहाँ पर दोस्त भी चला गया और उसकी बंदी भी यहाँ पर से चली गई, ये देखकर तो वो काफी ज्यादा उदास हो गया होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ चेन हाओ के पास आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चेन हाओ उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है क्योंकि अभी हाओ तियान के पास उतनी ज्यादा पावर नहीं है। इसके बाद उसके पास आकर उसे बहुत मारता है, लेकिन जैसे वो उसकी जान लेने वाला होता है इससे पहले वहां पर डेविल ब्लड सेट का मास्टर अपनी स्वॉर्ड चेन हाओ को दे देता है और उसे देते हुए कहता है लो इसका इस्तेमाल करो और इससे हाओ तियान की यहाँ पर जान ले लो, ये मेरी तरफ से तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट है। ये देखकर तो चेन हाओ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, वो वहां पर उस पावरफुल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए हाओ तियान की जान लेने उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर तो बेचारा हाओ तियान वहां से डरते हुए आगे बढ़ रहा होता है ताकि कोई यहाँ पर आकर उसे बचा सके, लेकिन जैसे ही चेन हाओ उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी वहां पर जान लेने वाला होता है तभी वहां पर एक भयंकर तरीके का ऑरा फैल जाता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर ये ऑरा कैसे आ गया, जिसके बाद उस ऑरा के अंदर से बाय चेन नाम का एक आदमी निकल कर आता है और यही हमारी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर भी होने वाला है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये है कौन और यहाँ पर ये क्या करने के लिए आया है। चेन हाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बाय चेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बाय चेन तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे एक सेकंड के अंदर ही उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। तब जब सारे लोग उसकी पावर देखते हैं तो वो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे, क्योंकि बाय चेन की पावर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड वाली होती है और इतने पावरफुल ज्यादातर इमोर्टैलिटी वाले कल्टीवेटर होते हैं। सारे लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर ये बाय चेन यहाँ पर करने क्या आया है, जिसके बाद वो सारे लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तब बाय चेन जो होता है वो उन लोगों से कहता है मैं यहाँ पर किसी डिसाइपल को सेलेक्ट करने आया हूँ ताकि वो मेरे साथ मेरे सेक्ट में चल सके, लेकिन यहाँ पर तो मुझे सारे के सारे कबाड़ दिखाई दे रहे हैं, किसी के पास भी उतनी ज्यादा पावरफुल मुझे नहीं दिखाई दे रही, अगर कोई
पावरफुल होता यहाँ पर तो मैं उसे अपने सेक्ट में यहाँ से ले भी जाता। जो सुनकर तो सारे के सारे लोगों के गुस्से का वहाँ पर ठिकाना ही नहीं था कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उनकी यहाँ पर बेइज्जती करने की। इसलिए डेविल ब्लड सेक्ट का जो मास्टर होता है अपने सारे साथियों के साथ वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि सारे लोग मिलकर यहाँ पर बाय चैन का खेल खत्म कर सके। वो तीनों लोग वहाँ पर अपनी पावर को आपस में मिलाना शुरू कर देते हैं जिस वजह से पूरी तरफ भयंकर तूफान सा आ चुका था। लेकिन बाय चैन को तो इन सभी के अटैक से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो बड़े ही आराम के साथ वहाँ पर खड़ा था ताकि देख सके कि कौन उसका यहाँ पर बाल भी बाका कर सकता है। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बाय चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन बाय चैन वहाँ पर अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करके इतना खतरनाक वाला अटैक उनके ऊपर करता है कि वो सारे लोग वहाँ से दूर फेंकाना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही टाइम के अंदर उन सभी की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। इसके बाद बाय चैन सभी से कहता है किसके अंदर हिम्मत है जो मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला कर सकता है, अगर जो भी मुझसे फाइट करना चाहता है तो यहीं पर आओ, मैं उससे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सारे लोगों की वहाँ पर हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो बाय चैन से कह रहे होते हैं हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई जो हमने आपसे पंगा लेने की कोशिश कर ली। तब जो हाओ चैन होता है जल्दी से बाय चैन के पास आता है और उससे कहता है आप तो यहाँ पर किसी डिसाइपल को सेलेक्ट करने के लिए आए थे ना, मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरे पास हिडन टैलेंट भी है, इसलिए आप मुझे यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, मैं आपके साथ आपके सेक्ट में जाना पसंद करूंगा। लेकिन बाय चैन जो होता है वो उससे कहता है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसा इंसान मुझे नहीं चाहिए, क्या तुम्हें पता भी है इस हाओ तियान के पास हिडन टैलेंट है जो कि तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अभी तक वो अपने हिडन टैलेंट को पहचानता नहीं है, इसलिए मैं जिस इंसान को यहाँ पर अपने सेक्ट में ले जाना चाहता हूँ वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हाओ तियान ही होगा। देखकर तो चैन हाओ के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता। वो बाय चैन से कहता है मुझे तो लग रहा था कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल और चालाक भी हो, लेकिन तुमने तो यहाँ पर सबसे कमजोर इंसान को अपना डिसाइपल चुन लिया, जिस वजह से मुझे समझ आ चुका है कि तुम यहाँ पर किसी काम के नहीं हो। तब ये सुनकर बाय चैन जो होता है चैन हाओ से कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि इसके पास पावर नहीं है, मुझे सिर्फ एक महीना दो, एक महीने बाद मैं इसे यहाँ पर लेकर आऊंगा तुमसे फाइट करवाने के लिए, तब तुम्हें तुम्हारी औकात मालूम पड़ जाएगी, देख लेना इस एक महीने के अंदर मैं हाओ तियान को इतना ज्यादा पावरफुल बना दूंगा कि जितना के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, और एक महीने बाद वो तुम्हारी ऐसी हालत करेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा तो कि तुम्हारी पावर क्या है। जिस पर चैन हाओ भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद बाय चैन जो होता है हाओ तियान को अपने साथ उसी औरा से बने पोर्टल के अंदर डालते हुए वहां से ले जाता है। अब हाओ तियान खुद को किसी अलग ही जगह पर पाता है जहां पर आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश था और वो वहां पर बाय चैन का शुक्रिया कर रहा होता है उसकी जान बचाने के लिए और उसे अपना डिसाइबल बनाने के लिए। जिसके बाद बाय चैन को उसके सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि तुमने अपना ये मिशन पूरा कर लिया है। ये देखकर तो बाय चैन खुश हो जाता है और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि बाय चैन को यहाँ पर उसी सिस्टम ने एक टास्क दिया था जिस टास्क के हिसाब से उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट बनाना है जिस सेक्ट के अंदर उसे सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर चाहिए होंगे। एक बार वो सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट का मास्टर बन जाए तो उसके बाद वो इस मिस्टीरियस वर्ल्ड से अपने रियल वर्ल्ड के अंदर जा सकता है और जो पावर वहां पर बाय चैन दिखा रहा था वो भी उसकी सिस्टम की दी हुई उधार पावर थी, क्योंकि असल में तो उसके पास उतनी ज्यादा पावर नहीं है, उसे धीरे धीरे करते हुए खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा तभी जाकर वो इतना ज्यादा पावरफुल बन सकता है। जिसके बाद उसकी सिस्टम जो होती है उसे बता रही होती है तुम्हें जल्द से जल्द अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो अपना सेट बनाने की तैयारी शुरू कर दो। लेकिन बाय चैन उससे कह रहा होता है मुझे ऐसा काम नहीं करना, मुझे अपने वर्ल्ड के अंदर वापस जाना है। लेकिन तब उसकी सिस्टम उसे बता रही होती है कि तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। वो उसे पिछले सारे टास्क के बारे में बताती है कि किस तरह से वो अपने सारे के सारे टास्क में फेल हो चुका है और अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे सबसे ज्यादा पावरफुल बनते हुए एक सेक्ट बनाना ही पड़ेगा। इसलिए मजबूरन बाय चैन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी सिस्टम उसे सारी ट्रिक्स बता रही होती है कि आखिर किस तरीके का इस्तेमाल करते हुए वो नए नए डिसाइपल को अपने सेट के अंदर शामिल कर सकता है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।